कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25। 9 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री OP चौधरी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया। इस बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं, महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 एवं छत्तीसगढ़ और केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन बुक डिपो में जाकर के आप हमारे CGPSC ई पाठशाला के छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। समय रहते इस बुक को ले लीजिए, साल भर होने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो फिलहाल आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट हाईलाइटेड टॉपिक है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 ये किनके द्वारा पेश किया गया पूछा जाए तो ये पेश किया गया श्री OP चौधरी जी के द्वारा। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री है। अगर हम पिछले कुछ बजट, छत्तीसगढ़ के बजट के इतिहास के बारे में बात करें तो इससे पहले जो वित्त विभाग है ये मुख्यमंत्री के पास रहता था। मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास वित्त विभाग को रखते थे, यानी कि जो पिछला बजट पेश किया गया वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पेश किया गया था। तो जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक का इतिहास यह था कि मुख्यमंत्री के पास ही वित्त विभाग होता था और वे स्वयं बजट पेश किया करते थे। लेकिन इस बार जो वित्त विभाग है वो सौंपा गया है श्री OP चौधरी जी को, और इनके द्वारा इस साल छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 पेश किया गया। ठीक, बजट की स्थिति को पेश हुआ पूछा जाए तो 9 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया। अगर हम बजट के क्रम की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ राज्य का 24वां बजट, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का यह 24वां बजट है। वित्त मंत्री OP चौधरी के कार्यकाल का यह पहला बजट है। ठीक है, नई सरकार का गठन हुआ, नए वित्त मंत्री है तो उनके कार्यकाल का पहला बजट, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का यह 24वां बजट है। अगर हम इस साल के छत्तीसगढ़ बजट का थीम क्या है बात करें तो इस साल के छत्तीसगढ़ बजट का थीम था अमृत काल के नींव का बजट और ग्रेट छत्तीसगढ़। ठीक है, इस साल यानी कि छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का थीम था अमृत काल के नींव का बजट और आपका ग्रेट छत्तीसगढ़। ठीक, ये जो आपका बजट पेश किया गया बजट 2024-25, इसको संज्ञा दी गई है ज्ञान का बजट। ठीक है, अब ये ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि इस ज्ञान पर केंद्रित था। ठीक है, ज्ञान पर केंद्रित था बजट, इसे ज्ञान के बजट की संज्ञा दी गई है। ठीक, देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश किया गया उसे एक ब्रीफकेस में लाया गया था। ठीक है, बजट को जो है एक ब्रीफकेस में लाया गया था। ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र और भारत माता का चित्र अंकित था। छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता, ये इन दोनों का जो है आपकी चित्र अंकित था और नीचे लिखा हुआ था अमृत काल के नींव का बजट। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 अमृत काल के नींव का बजट, और कौन कौन सा चित्र अंकित था, छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता का चित्र अंकित था। जबकि इस ब्रीफकेस के में, जो यानी कि बैग होता है, ब्रीफकेस के बैग साइड में लिखा हुआ था ग्रेट छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, ग्रेट छत्तीसगढ़। अब इस ग्रेट छत्तीसगढ़ का भी अपना, हर एक वर्ड का अपना एक फुल फॉर्म है। जी से गारंटी, जी से गारंटी, आर से रिफॉर्म, ई से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ए से अचीवमेंट, टी से
टेक्नोलॉजी, सी से कैपेक्स और जी से गुड गवर्नेंस। ये है ग्रेट छत्तीसगढ़ का फुल फॉर्म। ठीक, इंपॉर्टेंट है, जो छत्तीसगढ़ के बजट का जो थीम था, अमृतकाल के नींव का बजट और ग्रेट छत्तीसगढ़, तो ग्रेट छत्तीसगढ़ का फुल फॉर्म है गारंटी रिफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीवमेंट टेक्नोलॉजी कैपेक्स गुड गवर्नेंस। ब्रीफकेस के फ्रंट साइड में देखिए आकर्षण क्या था, ये जो आपका जो ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस के साइड की कलाकृति, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नेट में सर्च करेंगे छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 जिसमें ब्रीफकेस पकड़े हुए ओपी चौधरी जी का इमेज आपको दिख जाएगा गूगल में, तो यहां पे जो साइड में जो कलाकृति है वो आदिम जनजाति कला की प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की झलक है। ये साइड के कलाकृति की बात की जा रही है इधर की, ठीक है। इसमें जो है ढोकरा शिल्प, आदिम जनजाति कला की प्रसिद्ध पहचान ढोकरा शिल्प की झलक आपको देखने के लिए मिलेगी। जो सामने का हिस्सा है ब्रीफकेस का फ्रंट साइड, इसमें भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर है, जबकि पिछला हिस्सा बैक साइड में थीम ग्रेट छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रीफकेस का विवरण। अब आगे देखिए, आर्थिक विकास दर 2023-24 अग्रिम अनुमान स्थिर भाव पर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि बजट है आपका 2024-25 और हम यहां पर आर्थिक विकास दर की बात कर रहे हैं 23-24 का। देखिए बजट जो होता है ये आगामी आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, आने वाला जो साल है, उसमें जो सरकार जो व्यय करने वाली है उसका एक अनुमान होता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। और ये जो हम बात करें 23-24 ये एग्जैक्ट डाटा, यानी कि सरकार ने पिछले साल कहां कहां पर कितना व्यय किया, छत्तीसगढ़ का विकास दर क्या रहा, अलग अलग क्षेत्रों का विकास दर क्या रहा, ये उसका डाटा है। ठीक है, और ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, देखिए आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी, आर्थिक विकास दर, कृषि विकास दर, औद्योगिक विकास दर, सेवा क्षेत्र विकास दर और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक विकास दर रहा 6.56%, ठीक है, 6.56%। ये जितने भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वीडियो के जरिए, ये सभी के सभी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक से ही उठाया गया है। ठीक है, जो हमारा CGPSC ई पाठशाला का जो आर्थिक सर्वेक्षण का बुक है उसी में ये बजट वाला चैप्टर दिया गया है। अगर कुछ भी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट नजर नहीं आएगा, देखिए कई लोग का शिकायत ये रहता है कि सर बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, आप जो है अपने वीडियो क्वालिटी को 720p में जाकर के सेट कीजिए, जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो स्पष्ट दिखाई देगी। बाकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल अगर आप छत्तीसगढ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी जाकर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक, बाकी हमने जो हमारा जो बुक है आपका CGPSC पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट वाले बुक, उसमें एक चैप्टर ऐड है छत्तीसगढ़ बजट, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई मिल जाएगी। इसी बुक का उठा करके मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर रहा वो रहा 6.56%। अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो भारत का आर्थिक विकास दर रहा 7.3%, 7.3%। अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास दर भारत यानी कि राष्ट्रीय स्तर के विकास दर से कम है। ठीक, कृषि विकास दर, कृषि क्षेत्र के विकास दर की बात करें तो भारत का सॉरी छत्तीसगढ़ का जो कृषि क्षेत्र विकास दर रहा वो रहा 3.23%, 3.23%, जबकि भारत का रहा 1.82%। औद्योगिक क्षेत्र विकास दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का रहा 7.13%, यानी कि 7.13%, जबकि भारत का रहा 7.93%, 7.93%। सेवा क्षेत्र विकास दर की बात करें तो सेवा क्षेत्र का विकास दर छत्तीसगढ़ का रहा 5.02%, 5.02%, और भारत का रहा 7.72%, 7.72%। देखिए इन ये जो आपका अलग अलग विकास दर दिया गया है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसमें से हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का विकास दर भारत के कृषि क्षेत्र के विकास दर से ज़्यादा है। ठीक, कथन आधारित प्रश्न बन सकता है, बाकी हर एक सिंगल डाटा अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहले के पेपर में पूछा भी गया है। तो ये जो टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है इसको अच्छे से अपने माइंड में बैठाइएगा, ये एक बार याद करने वाला डाटा है जो आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये।
ठीक है, ये स्थिर कीमतों पर जो है ये सभी आंकड़े दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ का विकास आर्थिक विकास दर 2023-24 के लिए कितना अनुमानित है प्रश्न पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत का वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर अनुमानित है, तो अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय, ये जितने भी आंकड़े हैं ये यहां तक के आंकड़े ये सभी के सभी किस पे है, स्थिर कीमत पर है। प्रति व्यक्ति आय किस पे है, प्रचलित कीमत पर है। स्थिर कीमत क्या होता है, प्रचलित कीमत क्या होता है, आगे जब हम छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे वाला टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके पहले ही अध्याय में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी पहले के भी इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको बताया हुआ है। प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय, छत्तीसगढ़ का प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय है 1,47,361 रुपए, जबकि भारत का प्रति व्यक्ति आय है 1,85,854 रुपए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 1,47,361 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, 1,47,361 रुपए। भारत का प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, 1,85,854 रुपए। छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.31% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये परसेंटेज वृद्धि भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो 7.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय योगदान। अभी हम देख रहे थे आपका विकास दर यानी कि वृद्धि दर, पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ। अब हम देखेंगे जो अलग अलग क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसमें इसकी भागीदारी क्या रही। जो छत्तीसगढ़ का कुल GSDP है, कुल आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की भागीदारी क्या रही। इसमें कंपैरिजन दिया गया है आपका छत्तीसगढ़ और भारत का। जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है ये सब, ये ऑरेंज कलर वाला जो है ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, जबकि जो येलो कलर में जो डाटा दिया गया है, ये येलो कलर का जो ग्राफ है ये भारत इंडिया का है। ठीक, देखिए अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा 15.32%। ठीक है, 15.32% का योगदान रहा किसका, कृषि क्षेत्र का। जबकि हम भारत के बात करें तो भारत के कुल GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा, 14.41%, 14.41% का योगदान रहा। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ के GDP में यानी GSDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान रहा 53.50%, 53.50%, जबकि भारत के GDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान रहा 30.97%, यानी कि 30.97%। ठीक, सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के GSDP में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है ये रहा 31.19%, 31.919%, जबकि भारत के GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान रहा 54.62%। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ, हर एक डाटा इसमें इंपॉर्टेंट है। 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात हो रही है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के कुल GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत अनुमानित है। और अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो देखिए, कृषि क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ के GSDP में और भारत के GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान, दोनों कंपेयर करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। ठीक है, एक इसमें ज़्यादा है और एक औद्योगिक में ज़्यादा है, सेवा क्षेत्र में कम है। तो इस ग्राफ को भी माइंड में बैठा के रखिए, 15%, 53%, 54%, पहले तो माइंड में ऐसे याद रखिए, छत्तीसगढ़ के GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 15%, उद्योग क्षेत्र का योगदान 53% और सेवा क्षेत्र का योगदान 54%। ठीक है, ऐसे पहले याद कीजिए, फिर उसके बाद डेसिमल वाले आंकड़े को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट है बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो बजट है और जो आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं,
जब तक अगले साल फरवरी महीने में नया बजट पेश नहीं हो जाता तब तक ये बजट के आंकड़े और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी से लेकर के अगले साल फरवरी 2025 तक की बात कर रहा हूँ, इस बीच में जो भी एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम के लिए आपको यही सारे आंकड़े पढ़ने हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 बजट एक नज़र में। अगर हम छत्तीसगढ़ के बजट के आकार की बात करें तो इस साल 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया गया। ठीक, 1,47,500 करोड़ का बजट पेश किया गया। इस साल बजट 2024-25 की विशेषता क्या रही पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था। ठीक है, ये जो आपका बजट पेश किया गया ये छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था, यानी कि जो टैबलेट है टैबलेट के माध्यम से पूरे बजट को पढ़ा गया है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया था। ठीक, अब यहां पर बजट के कुछ आंकड़े दिए गए हैं उसे देख लीजिए। अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, यहां पे कंपैरिजन दिया गया है 2023-24 और 24-25 का बजट अनुमान दिया गया है, हम इस पर मेन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, 24-25 के आंकड़े अगर आप कंपेयर करके पढ़ना चाहते हैं तो कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम कुल आय की बात करें तो बजट अनुमान 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल आय रहा आपका 1,47,500। ठीक है, कुल व्यय आपका अनुमानित है 1,47,446 करोड़ रुपये, जो आंकड़े है ये राशि करोड़ रुपये में है। अगर हम राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय होगा आपका 1,24,840 करोड़ रुपये। पूंजीगत व्यय की बात करें तो वो होगा आपका 22,300 करोड़ रुपये अनुमानित है। ठीक, अगर हम राजस्व आधिक्य की बात करें, यानी कि राजस्व, एक राजस्व घाटा होता है और एक राजस्व आधिक्य होता है। ठीक है, देखिए अगर हम राजस्व आधिक्य की बात करें तो वो है आपका 1,060 करोड़ रुपये। ठीक है, 1,060 करोड़ रुपए यह है आपका राजस्व आधिक्य। राजकोषीय घाटा ये है आपका 16,296 करोड़ रुपए, ये राजकोषीय घाटा है। अगर हम जीएसडीपी की बात करें तो जीएसडीपी है आपका 5,61,736 करोड़ रुपए, यहां पे स्टार लिखा हुआ है। जीएसडीपी चलित औसत पर आधारित प्रक्षेपण 2011-12, यानी कि स्थिर कीमत की बात की जा रही है। ठीक, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, यानी कि जो राजकोषीय घाटा है इसका अगर हम जीएसडीपी से कंपेयर करें तो जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा रहा आपका -2.90%। ठीक है, -2.90% ये रहा आपका राजकोषीय घाटा। ठीक, तो ये आंकड़े को याद रख लीजिएगा। अगर पिछले बजट से कंपेयर करें तो कुल आय में 22% की वृद्धि हुई है, कुल व्यय में 22% की वृद्धि हुई है, राजस्व व्यय में 22%, पूंजीगत व्यय में 20% और आपका जीएसडीपी में 11% की वृद्धि यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये सारे चीज़ों को जो है ना, राजस्व आय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इस पर हम आगे आर्थिक सर्वेक्षण में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल आंकड़े को याद रखिए क्योंकि बजट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर उसमें और डीप में जाकर के बताऊंगा तो यहां पर बिना फालतू का वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 5 वाले टॉपिक में राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इस पर जो है पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम जो जीडीपी की बात कर रहे हैं उसमें जो सरकार को जो पैसे की प्राप्ति होती है, बजट क्या होता है, सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। ठीक है, सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी कि सरकार को कहां कहां से पैसे की प्राप्ति होती है वो, और सरकार कहां कहां पर पैसा खर्च करती है वो, इसका ब्यौरा कहलाता है आपका बजट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार को जो है रुपया, ठीक है, मनी, ये कहां से प्राप्त होता है। यहां पर एक पाई डायग्राम बताया गया है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पाई डायग्राम है, अगर हम देखें तो सरकार को सर्वाधिक
33.7% ये राज्य के स्वयं का कर राजस्व है, ठीक है, यानी कि राज्य जो स्वयं कर लगा करके उसे वसूल करती है, तो राज्य अपने स्वयं के कर राजस्व से सर्वाधिक 33.7% जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। 12.7% 12.7% जो आय है सरकार को राज्य के स्वयं के करेत्तर राजस्व से प्राप्त होता है। देखिए, सरकार जो स्वयं कर लगा करके वसूल करती है टैक्स के माध्यम से, उससे सर्वाधिक 33.7% वसूली होती है, और राज्य के स्वयं के करेत्तर, करेत्तर यानी कि कर के अलावा, टैक्स के अलावा जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है वो है आपका 12.7 यानी कि 12.7%। ये टोटल कहलाता है राज्य के स्वयं का कर राजस्व, राज्य के स्वयं का कर राजस्व। अब इधर देखिए, ये है आपका 29.8%, ये केंद्रीय करों से राज्य का हिस्सा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके जीएसटी की, जीएसटी में केंद्र का हिस्सा अलग होता है, राज्य का हिस्सा अलग होता है, तो वही बात हो रही है। केंद्रीय कर यानी कि जो बहुत से जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, वसूलती राज्य सरकार है, और जो वसूला गया जो टैक्स है उसमें केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा निर्धारित होता है। तो केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है उससे सरकार को 29.8% की इनकम हुई, ठीक है, यानी कि सरकार की कुल आय में 29.8% भागीदारी केंद्रीय करों से राज्य का, केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से का है। और केंद्र अनुदान यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उससे वो है आपका 9.2%, यानी कि सरकार की कुल आय का 9.2% केंद्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। यह है भारत सरकार का अंतरण, ओवरऑल देखा जाए तो यह है 39%, ठीक। इसके अलावा शुद्ध लोन ऋण के रूप में 13.4%, शुद्ध लोक सेवा प्राप्तियों के रूप में 1.2%, और यहां पर है ये ऋण एवं अग्रिम वापसी 0.1% के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये है आपकी पूंजीगत, ये है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो राज्य के स्वयं का कर राजस्व 46.4%, भारत सरकार का अंतरण है 39%, और एक है आपकी पूंजीगत प्राप्तियां, वो है 14.6%, ठीक। अब ये तो सरकार की आय हो गई, अब सरकार का पैसा कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में खर्च होता है। देखिए, सरकार का सर्वाधिक हिस्सा, सरकार के पास जो पैसा है, जो फंड है, उसका सर्वाधिक हिस्सा वेतन एवं भत्ते के रूप में, सॉरी, उसका जो सर्वाधिक हिस्सा है वो 33% सहायता अनुदान के रूप में व्यय होता है, ठीक है। सहायता अनुदान क्या होता है, जो सरकार जो सब्सिडी देती है, ठीक है, बहुत सारे जैसे कि अभी चल रहा है महतारी वंदन योजना हो गया, और आपका कृषक उन्नति योजना जो आपका 12 मार्च को पैसा ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि जो प्रदेश सरकार 3100 रुपये की दर से जो धान खरीदी करेगी, तो जो रेट डिफरेंस है MSP और 3100 रुपये के मध्य, तो वो है आपका सहायता अनुदान, ठीक है। तो सर्वाधिक पैसा सरकार का जो है 33% सहायता अनुदान के रूप में व्यय होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर है आपका वेतन एवं भत्ते, जो गवर्नमेंट जॉब में जो एम्प्लॉय है उनका वेतन जो सरकार देती है, ठीक है, उन्हें जो भत्ते प्रदान करती है उसका, उसमें जो है 24% सरकार की कुल आय का 24% जो है इसमें व्यय होता है। 6% पेंशन एवं सेनानिवृत्ति का लाभ, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं उनकी बात हो रही है। 6% ब्याज अदायगी, यानी कि सरकार ने कहीं से लोन लिया हुआ, केंद्र सरकार से या फिर वर्ल्ड बैंक से, IMF से जो लोन लिया हुआ है, तो उसकी जो ब्याज जाती है वो है आपका 6%। सब्सिडी के रूप में जो अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है, जैसे कि आपका उर्वरकों में सब्सिडी देती है प्रदेश सरकार, ठीक है, तो सब्सिडी के रूप में जो है 8% व्यय होता है। पूंजीगत व्यय एवं निवेश में 15% और अन्य में है 11%। अगर ओवरऑल हम देखें तो सरकार की व्यय का प्रतिबद्ध व्यय यानी कि वेतन भत्ते पेंशन और ब्याज अदायगी में 34%, सहायता एवं सब्सिडी में 41%, और इसके अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है वो है आपका पूंजीगत व्यय और निवेश में, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि सरकार के व्यय का जो है सबसे बड़ा हिस्सा सहायता अनुदान में, और सेकंड नंबर पर है आपका वेतन एवं भत्ते में। अब उसके बाद देखिए क्षेत्रवार व्यय, ये सब आंकड़े ना पढ़ने में बोरिंग लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं ना तब पता चलता है कि इन आंकड़ों का महत्व क्या है। एक साल का प्रश्न पूछा गया था कि बजट 2024-25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय कितना प्रतिशत अनुमानित है, डायरेक्ट प्रश्न आया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
ये राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय हम देख चुके हैं। राजस्व व्यय क्षेत्रावार व्यय 2024-25 राजस्व व्यय 124,840 करोड़ रुपए जो कि कुल बजट का 85% है। पूंजीगत व्यय 22,300 करोड़ रुपए जो कि कुल बजट का 15% है। अनुसूचित जनजाति ST क्षेत्र के लिए जो व्यय है वो है आपका 33%, ठीक है, कुल बजट का 33%। अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए जो व्यय है वो है 13%। सामाजिक क्षेत्र के लिए जो व्यय है वो है आपका 45%, यानी कि कुल व्यय का 45%। आर्थिक क्षेत्र का जो व्यय है वो है 35% और सामान्य सेवा क्षेत्र व्यय है वो है आपका 20%, ठीक। इसमें से जो है ST क्षेत्र के लिए व्यय, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर अलग अलग विभाग, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें जो मंत्रियों में जो विभागों का बंटवारा होता है या जो विभाग बने हुए हैं उनको कितनी राशि प्रदान की गई है। अब इसमें ध्यान देंगे आप कि बजट 2024-25 में जो सबसे बड़ा जो बजट अलॉट हुआ है, आवंटित हुआ है, वो है आपके स्कूली शिक्षा विभाग को। मैं पूरा आंकड़ा पढ़ करके नहीं बताऊंगा, ये आपको याद करने के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ये जो अलग अलग विभाग है, स्कूली शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, ऐसे जो अलग अलग विभागों का बंटवारा है, इन विभागों में सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ी जो राशि आवंटित हुई है 21,479 करोड़ रुपए, ये आवंटित हुई है आपके स्कूली शिक्षा विभाग को, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वृद्धि पिछले बार की तुलना में आपके 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, 10% की वृद्धि है। पंचायत को, इसको भी याद रख लेना, देखिए स्कूली शिक्षा विभाग जिसे सर्वाधिक राशि आवंटित हुई है, ठीक है, 21,489। सेकेंड नंबर पर है पंचायत, पंचायत को याद रखना क्योंकि पंचायत सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 17,229 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। कृषि कल्याण विभाग को 13,435 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। कम से कम ये तीन को याद रखिएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग को 5,683 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है, ठीक। देखिए पूरा चार्ट आपको याद करना है। अगर आप देखेंगे तो इन सभी में, ठीक है, ये जो अलग अलग विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें पिछले बजट की तुलना में किसके राशि में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वो है 112% के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक। ये इसको पढ़ लेना, लोक निर्माण विभाग में 8,017 करोड़ रुपए तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 6,428 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है, ये लिस्ट में शामिल नहीं था। अब देखिए अगर हम विभाग की बात करें, यहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए ना, अगर हम विभाग की बात करें तो कृषि विभाग एवं किसान कल्याण विभाग को 13,437 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है, ठीक है, ये विभाग की बात हो गई। कृषि एवं संबद्ध सेवा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कृषि क्षेत्र को 20,720 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। विभाग की बात हो तो 13,435 करोड़ रुपए, लेकिन कृषि एवं संबद्ध सेवा की बात हो, कृषि फसलें पशुपालन, ठीक है, ये सभी के सभी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य उद्योग, आपके वन उद्योग एवं लट्ठे, ये कृषि एवं संबद्ध सेवा के अंतर्गत आता है। इसमें 20,720 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। दोनों को अलग से डिफ्रेंशिएट करना, विभाग पूछे तो 13,435 करोड़ रुपए, अगर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को आवंटित राशि पूछा जाए तो 20,720 करोड़ रुपए, ठीक। अब देखिए छत्तीसगढ़ के बजट की कुछ विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ का पहला जेंडर बजट पेश किया गया था वित्तीय वर्ष 2008-09 में। जेंडर बजट यानी कि यह महिलाओं पर केंद्रित था, महिला वर्ग पर जो है ये मुख्य रूप से केंद्रित था, महिला सशक्तिकरण की दिशा में। तो छत्तीसगढ़ का पहला जेंडर बजट पेश किया गया था 2008-09 में। छत्तीसगढ़ का पहला कृषि बजट पेश किया गया था आपके 2012-13 में, वित्तीय वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ का पहला कृषि बजट पेश किया गया था जो कि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर केंद्रित था। छत्तीसगढ़ का पहला युवा बजट पेश किया गया था 2015-16 में जो कि मुख्य रूप से युवा वर्ग पर केंद्रित था। छत्तीसगढ़ का पहला चाइल्ड बजट पेश किया गया 2021-22 में जो कि 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग पर केंद्रित था। और छत्तीसगढ़ का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया 2024-25 में जो कि डिजिटल बजट, ठीक है, यानी कि पेपरलेस बजट था, यानी कि टैबलेट के माध्यम से पूरे बजट को पढ़ा गया। तो इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है, ये सभी वित्तीय वर्ष को याद रखना है। युवा बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य था जो 2015-16 में जो युवा बजट पेश किया गया, ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य था।
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ का जो आपका जो बजट का आकार है 1,47,446 करोड़ रुपए, अगर पिछले 5 वर्षों की बात करें तो औसतन पिछले 5 वर्ष के कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो औसतन आपके 22% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसे CAGR कहा जा रहा है, CAGR 8% और ये इस साल में जो है 22% की वृद्धि दर्ज की गई है, CAGR 5% औसतन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रमुख योजनाओं को बजट में आवंटित राशि। ठीक है, बहुत सी नई योजनाओं को नई योजनाओं की घोषणा की गई है और बहुत से पुराने योजनाएं भी है। ठीक है, बजट में जो है कृषि उन्नति योजना, अभी कृषि उन्नति योजना क्या है आगे हम देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ योजनाओं को जो राशि आवंटित की गई है वो इंपॉर्टेंट है। कृषि उन्नति योजना को 10,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना को 8,369 करोड़ रुपए की राशि, जल जीवन मिशन 4,500 करोड़ रुपए। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो याद करना है वो बता रहा हूँ, एक तो कृषि उन्नति योजना याद कर लेना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 3400 करोड़ रुपए, श्री रामलला दर्शन योजना 35 करोड़ रुपए, ठीक है, महतारी वंदन योजना 3000 करोड़ रुपए, शहीद वीर नारायण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ठीक है, जैसे कि पहले चल रहा था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसी का मॉडिफाई कर दिया गया, नाम परिवर्तित कर दिया गया, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, जिसको 1526 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा हाँ, SCR राज्य राजधानी क्षेत्र, जैसे कि दिल्ली NCR है, उसके तर्ज पर SCR विकसित किया जाएगा, उसे 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, और शक्ति पीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विकसित छत्तीसगढ़ रोड मैप। इस साल के बजट में जो है 2047 तक के लिए, जो देखिए 2047 तक के लिए छत्तीसगढ़ का एक रोड मैप बताया गया, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047, जैसे कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तो 100 साल पूरा होगा आपका 2047 को, तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। अब ये 2047 तक पहुंचने से पहले एक मध्यावधि लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2047 तो दूर का हो गया, लेकिन उसके बीच में एक मीड में मध्य में एक अवधि के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि है 2028। 2047 का तो रोड मैप बनाया गया है, लेकिन उसके मध्य का मध्यावधि एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ GSDP को 5,00,000 करोड़ से दुगना करके 2028 तक 10,00,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। ठीक है, ये बताया गया है आपके छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ रोड मैप में कि हम जो है अगले 5 साल में, यानी कि वर्ष 2028 तक, अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के GDP का आकार 5,00,000 करोड़ है, इसे बढ़ा करके 10,00,000 करोड़ करेंगे 2028 तक। ठीक, अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 आधारभूत रणनीति स्तंभ बताए गए हैं। ये रणनीति स्तंभ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो 5,00,000 करोड़ से 10,00,000 करोड़ पहुंचाना है छत्तीसगढ़ के GSDP को, उसका कुछ जो है आधार स्तंभ, आधारभूत रणनीति स्तंभ बताए गए हैं। ये आधारभूत रणनीति स्तंभ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर मेंस आंसर राइटिंग में भी लिखने के लिए आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इसे अलग से हाईलाइट किया गया है। जैसे कि पहले नंबर पर है ज्ञान, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपका संज्ञा दी गई है इस साल के बजट को, ज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो ज्ञान, अगर हम ज्ञान की बात करें तो जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता यानी कि किसान, और एन से है आपकी नारी। ठीक है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ज्ञान हमारे आर्थिक विकास के केंद्रीय बिंदु है, ये आपका क्या है, आधार स्तंभ है, रणनीति स्तंभ है। सेकंड है तकनीक पर जोर दिया जाएगा, तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास, पूंजीगत तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, संभावना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर देना, निजी निवेश, सरकार की सारी सक्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश सुनिश्चित करना, उसके फोकस बस्तर सरगुजा की ओर देखो, DDP डिस्ट्रेलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स,
संस्कृति, छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास और क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का महत्व, ये जो ये क्या है, ये 10 आधारभूत रणनीति स्तंभ है। ठीक है, अगर सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ज्ञान, तकनीक, पूंजीगत संसाधन, निजी निवेश, फोकस, DDP, संस्कृति, पहले ये हाईलाइटेड पॉइंट को याद रखना, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आप याद करते चलना। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए है, प्री और व्यापम के एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री और व्यापम के एग्जाम के लिए पूछा जाएगा कि जो छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ का जो रोड मैप है, उसकी मध्यावधि लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुल कितने आधारभूत रणनीति स्तंभ निर्धारित किए गए हैं, तो उसकी संख्या क्या है, 10। बस इतना याद करना है। ठीक, देखिए अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु पर, यानी कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। सबसे पहला है आपका महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना जिसे इसकी घोषणा की गई थी छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में, इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया 1 मार्च 2024 को अखिल छत्तीसगढ़ में, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसे लागू कर दिया गया। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपये वार्षिक का भुगतान किया जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह। ठीक, अभी 10 मार्च 2024 को जो है, इसकी पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। लगभग 70 लाख से कुछ अधिक पात्र महिलाएं थे जिनके अकाउंट में टोटल, वैसे तो दावा किया जा रहा 700 करोड़, लेकिन एग्जैक्ट डाटा की बात करें 655 करोड़ रुपए के आसपास की राशि ट्रांसफर की गई है। ठीक है, अखिल छत्तीसगढ़ में जो है ये लागू हुआ कब, 1 मार्च 2024 को इसकी पहली किस्त ट्रांसफर की गई, 10 मार्च 2024 को। नेक्स्ट है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना क्या है, सबसे पहले इसमें जो लिखा है उसे समझ लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। कृषक उन्नति योजना, किसानों को MSP और राज्य घोषित धान खरीदी मूल्य में अंतर की राशि प्रदान करना। देखिए, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा की थी। अगर सामान्य धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था 2183 रुपये प्रति क्विंटल, और ग्रेड ए का निर्धारित किया गया है आपका 2203 रुपये प्रति क्विंटल। इस दर से 1 नवंबर 2023 से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक प्रदेश सरकार के द्वारा धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जा चुकी है। किस रेट पर, इस रेट पर, सामान्य धान और ग्रेड ए धान का। लेकिन प्रदेश सरकार ने घोषणा कितना किया था, 3100 रुपये प्रति क्विंटल का। ठीक है, तो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से जो शेष बची हुई राशि है, यानी कि इसमें 917 रुपये और जोड़ा जाएगा, और इसमें जो है लगभग आपका 897 रुपये, ठीक, 897 रुपये की राशि अगर ये जुड़ेगा तब जाकर के कितना होगा, 3100 रुपये। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल और 897 रुपये प्रति क्विंटल, ये कृषक उन्नति, इसे नाम दिया गया है कृषक उन्नति योजना। देखिए, योजना में क्या बोला जा रहा है, किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये रेट, और राज्य घोषित धान खरीदी मूल्य में जो अंतर की राशि है, इसकी बात हो रही है, अंतर की राशि, इसे जो है प्रदान किया जाएगा। और इसे प्रदान भी कर दिया गया है 12 मार्च, यानी कि कल के डेट में 12 मार्च 2024 को ये राशि भी ट्रांसफर कर दी गई है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक, प्रदेश सरकार धान की खरीदी जो है आपकी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ ये धान खरीदी की गई। लाभान्वित इसमें जो है 24.72 लाख किससे अधिक किसान इसमें लाभान्वित हुए। बजट में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान था। देखिए, बजट में जो आपके आंकड़े बताए गए हैं 10,000 करोड़ रुपये, और इसमें राशि बांटी गई है लगभग 13,320 करोड़ रुपये, 13,320 करोड़ रुपये की राशि बांटी गई है। अब आप बोले हैं कि बजट में तो इतना था, ये बजट में क्या होता है, बजट में अनुमान लगाया जाता है कि इतनी राशि खर्च होने का अनुमान है, लेकिन इससे ज़्यादा भी खर्च हो सकता है। समय समय पर जो प्रदेश सरकार है अनुपूरक बजट ही पेश करती है, क्योंकि अनुमान से अगर ज़्यादा व्यय हो जाता है, ज़्यादा खर्च हो जाता है उस कंडीशन के लिए। तो बजट अनुमान जो था ये 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इसमें लगभग 13,320 करोड़ रुपये की राशि
ट्रांसफर की गई डीबीटी के माध्यम से। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर। प्रदेश में अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक दर के रूप में 5500 रुपए प्रति मानक बोरा प्रदान किया जाएगा। पहले यह था 4000 रुपए प्रति मानक बोरा, इसमें 1500 रुपए की वृद्धि की गई है, अब यह हो गया है 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते रखे जा सकते हैं। बहुत बार का पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है कि तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में स्टैंडर्ड बैग में कितने तेंदुपत्ते अधिकतम रखे जा सकते हैं, तो वो कितनी है, 50,000 तेंदुपत्ते रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना। ये कुछ नहीं है, ये पिछली ही योजना का नया रूपांतरण है, ठीक है, रिश्ता वही सोच नहीं वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कि पहला आपका जो योजना लाया गया था वो था राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लाया गया था, अब उसका नाम परिवर्तित करके इसे रीब्रांडिंग करके लॉन्च किया जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। बीच में से न्याय गायब और शुरू में से राजीव गांधी गायब, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। लाभान्वित भूमिहीन खेतीहर मजदूर, अब इसमें क्या होते हैं भूमिहीन खेतीहर मजदूर, यानी कि ऐसे किसान जो कृषि कार्य में संलग्न है लेकिन उनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है। ऐसे कौन लोग होते हैं जो किसी दूसरे के खेत में अध्यापन यानी कि खेती कार्य वो उन लोग करेंगे, जमीन किसी और की है और खेती कार्य में कोई और मजदूर संलग्न है, भूमि स्वामी कोई और है और किसान कोई कृषि कार्य कोई और कर रहा है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है अध्या, यानी कि जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा भूमि स्वामी का और आधा हिस्सा किसान का होता है, तो ये कहलाते हैं आपके भूमिहीन खेतीहर मजदूर, यानी कि जो कृषि कार्य में तो संलग्न है लेकिन स्वयं की कृषि भूमि उनकी नहीं है, तो उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, ये वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देना। घोषणा, युवाओं को 50% सब्सिडी तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, अभी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत कौन पात्र होंगे, कितनी राशि आवंटित की जाएगी, किस किस क्षेत्र में आवंटित की जाएगी वो डिसाइड होगा। 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट कैपिटल रीजन SCR, जैसे कि दिल्ली कैपिटल रीजन है, ठीक है, सॉरी दिल्ली NCR है, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके तर्ज पर, जैसे कि दिल्ली के आस, दिल्ली जो है एक हमारा हमारे देश का राजधानी है, तो उसके आसपास के जो राज्य है उनके क्षेत्र को दिल्ली NCR के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हरियाणा इन सभी के जो क्षेत्र है उन्हें उनको मिला करके दिल्ली NCR बनाया गया है, तो उसी के तर्ज पर अब हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो रायपुर डेवलप हो चुका है, अब वहाँ पर जो है एरिया क्षेत्र जो है सीमित है, तो आसपास के शहरों को लेकर के स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। क्या है, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन NCR की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र SCR विकसित किया जाएगा। इसमें रायपुर, इसमें नवा रायपुर, रायपुर और भिलाई शहर के इलाकों को शामिल किया जाएगा। 5 करोड़ रुपये की राशि का इसमें प्रावधान है, ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ किसान मित्र योजना। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। योजना निजी भूमि स्वामी शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना, ठीक है, ये जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण सहायता योजना से मिलता जुलता है, वही रीब्रांडिंग करके इसे पेश किया जा रहा है। किसान वृक्ष मित्र योजना, जिसमें वाणिज्यिक वृक्षारोपण, वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, जैसे कि साल, सागौन, साजा, बीजा, चंदन, ये सभी के सभी जो लकड़ी जो है ये कमर्शियली काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक रूप से उत्पादन इनका किया जाता है, तो ऐसे वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा किसान वृक्ष मित्र योजना के माध्यम से, ठीक, जिसमें जो है निजी भूमि स्वामी शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी ये केवल घोषणाएं हो चुकी है, इन ये जो सभी घोषणाएं हुई है उनमें से महतारी वंदन योजना और कृषक उन्नति योजना ये लागू हो चुका है। अभी अब आगे इन सभी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा, इन योजनाओं को आने वाले समय में लागू किया जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ये रोड मैप है जो आपका 2024-25 चल रहा है, इसका एक प्लानिंग किया गया है, ठीक है,
प्लानिंग किया गया है, जिसमें महतारी वंदन योजना लागू हो चुका है और कृषक उन्नति योजना लागू हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, शक्तिपीठ परियोजना। शक्तिपीठ परियोजना ये जो है उत्तराखंड के चार धाम परियोजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसमें 5 शक्तिपीठ के लिए 1000 किलोमीटर की यह परियोजना है। 1000 किलोमीटर का एक पाथ बनाया जाएगा शामिल। इसमें रतनपुर में महामाया देवी मंदिर, चंद्रपुर की चंद्रहासिनी देवी मंदिर, डोंगरगढ़ की बम्बलेश्वरी देवी मंदिर, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी देवी मंदिर और सूरजपुर की कुदुरगढ़ी देवी मंदिर यानी कि बागेश्वरी माता मंदिर, इसे शामिल किया गया है। तो कौन कौन से मंदिर शामिल है शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत, उन मंदिरों के नाम याद रखिएगा। इसके लिए जो है 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। महामाया मंदिर, बम्बलेश्वरी मंदिर, चंद्रहासिनी मंदिर, दंतेवाड़ा मंदिर और कुदुरगढ़ी देवी मंदिर। नेक्स्ट है श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना। इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी आपके 10 जनवरी 2024 को। योजना के तहत 20,000 प्रदेश के प्रतिवर्ष जो है एक साल में 20,000 निवासियों को अयोध्या धाम यात्रा व दर्शन कराया जाएगा। इसमें लाभार्थी कौन होंगे, 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ के निवासी इस योजना के लिए आपके लाभार्थी होंगे या पात्र होंगे। इसका जो क्रियान्वयन है ये छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के द्वारा, वित्त पोषित छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। विशेष प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके अंतर्गत पात्र होंगे, लेकिन इसके प्रथम चरण में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें 35 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन भी चल रही है, आस्था ट्रेन। प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये जो है केंद्रीय पोषित योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब इसमें जो वर्ड यूज हुआ है जनमन, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। ये प्रधानमंत्री जनमन योजना का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति PVTG के उत्थान एवं जनजाति समुदायों को मुख्य धारा में लाना। इस विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत हमारे प्रदेश की 5 जनजाति है, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, ठीक है, एक है आपका अबूझमाड़िया। ये 5 जनजाति हमारे प्रदेश में विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। तो विशेष रूप से ये केवल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर ये लागू है। हर एक स्टेट में कुछ जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी कि PVTG का दर्जा प्राप्त है, तो उनके उत्थान व जनजाति समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना, ये शुरुआत किया गया 15 नवंबर 2023 को। देखिए, योजना के तहत सुरक्षित आवास यानी कि विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति है उन्हें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुँच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल किए गए हैं। देखिए, हमारे प्रदेश में 19 जिलों के PVTG बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क एवं पुल निर्माण का प्रावधान है। अभी फिलहाल जो है इसके प्रथम चरण में हमारे प्रदेश के 19 जिलों के अंतर्गत जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है उनके जो बसाहट है उन्हें सड़क के माध्यम से उन्हें जोड़ा जाएगा, यानी कि सड़क और पुल निर्माण करके उन्हें जोड़ा जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है एक्वा पार्क। अब ये एक्वा पार्क क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, जो कोरबा जिले का जो सतरेंगा है वहाँ पर एक्वा पार्क, एक्वा यानी कि वाटर, एक्वा पार्क प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसे स्थापित किया जाएगा। इसमें 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है, यानी कि मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा और वहाँ पर एक वाटर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। तो प्रदेश का एक्वा पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है पूछा जाए तो कोरबा जिले के सतरेंगा में एक्वा पार्क प्रस्तावित है। वैसे ही है एक एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रो यानी कि एस्ट्रोलॉजी, ये प्रस्तावित है सूरजपुर जिले में। उद्देश्य क्या है, खगोल विज्ञान की लोकप्रियता जनमानस तक पहुँचाना, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, आपके अंतरिक्ष जो ग्रह है उससे संबंधित जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए एस्ट्रो पार्क प्रस्तावित किया गया है सूरजपुर जिले में। देखिए, सूरजपुर जिले को ही क्यों चुना गया है, यहाँ पर जो है आपके देश में सूरजपुर का भैंसा मुंडा जो कि प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा IST रेखा एक दूसरे को काटती है। इसको भी लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था
कि भैंसा मुंडा, जहां पर मैंने जो जिला प्रशासन सूरजपुर के द्वारा एक होर्डिंग भी टंगाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहां पर दावा किया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि इस भैंसा मुंडा नामक स्थान पर कर्क रेखा और आईएसटी रेखा एक दूसरे को काटती है। उनका कटान बिंदु कहां पर है? आपके भैंसा मुंडा में। जबकि पहले पीएससी और व्यापम ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर लिया है उसने कोरिया। बजट में अलग से स्पेसिफाई किया गया है कि एक्वा पार्क सूरजपुर जिले में स्थापित किया जाएगा, प्रस्तावित है। और सूरजपुर जिले को चुने जाने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए, ये जो भैंसा मुंडा है ना, केवल हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, नेशनल लेवल का करंट अफेयर बना था कि भैंसा मुंडा जो है यहां पर कटान बिंदु है कर्क रेखा और आईएसटी रेखा का। लेकिन दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल आया है कि प्रदेश सरकार ने घोषणा तो कर दिया है कि सूरजपुर जिले में आपका एस्ट्रो पार्क स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये जो कटान बिंदु भैंसा मुंडा में होने का जो दावा किया जा रहा है, जिसके लिए सूरजपुर जिला को प्रस्तावित किया गया है, ये कटान बिंदु कोरिया जिले में लगभग 30-35 किलोमीटर दूर कोरिया जिले के अंतर्गत इसका कटान बिंदु मिल रहा है। तो ये अभी थोड़ा विवादास्पद है, ठीक है। पहले आर्टिकल आया था, आर्टिकल दैनिक भास्कर का ही था, जिसमें बताया गया था पूरा डिटेल कि भैंसा मुंडा में कटान बिंदु है कर्क रेखा और आपके आईएसटी रेखा का। बकायदा उसका जो होर्डिंग, जो जिला प्रशासन सूरजपुर के द्वारा जो होर्डिंग लगाया गया था, उस होर्डिंग का भी फोटो पब्लिश किया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक। अब देखिए आने वाले समय में क्या अपडेट होता है, इस साल के बजट में घोषणा किया गया, तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्वा पार्क सतरेंगा, ये भी आपका यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटी होती है कोरबा जिले के सतरेंगा, जहाँ पर एक्वा पार्क प्रस्तावित है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, अब ये क्या है? छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना, इसमें 20 करोड़ की राशि का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेलों को पुनर्जागृत करना, ये क्या है? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, उसकी नई रीब्रांडिंग है, छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को रीब्रांडिंग करके छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने से। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना, ये नया है, युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना। इसमें जो युवा कला, साहित्य, खेल एवं समाज के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ के युवाओं को युवा रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा। क्षेत्र कौन कौन सा है? कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा, ठीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन पर्यटन योजना, आम नागरिक के लिए राज्य में पर्यटन सुविधा बढ़ाए जाने हेतु मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो आपके टूरिज्म प्लेस है, जैसे भोरमदेव हो गया, आपका चित्रकूट हो गया, बहुत सारे आपके एथनिक जो रिजॉर्ट बनाए गए हैं, उन सभी को, यानी कि आम नागरिक के लिए जन पर्यटन सुविधा बढ़ाए जाने हेतु प्रधानमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ किया गया, यानी कि पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करना। छत्तीसगढ़ आदिभाषा परिषद, ये क्या है? इस छत्तीसगढ़ आदिभाषा परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की आदिभाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इस परिषद का गठन किया जाएगा। आने वाले समय में और इस काम को डिटेलिंग देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन, अब ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च, इनोवेशन, गुणवत्ता उन्नयन आदि कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्था CIT, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, यानी कि IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्था CIT, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ पर प्रस्तावित होगा? छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीट है, जो लोकसभा क्षेत्र है, टोटल 11 लोकसभा क्षेत्र है, इन 11 लोकसभा क्षेत्र में आपके CIT की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम एवं रायपुर में इसी वर्ष, यानी कि 2024-25 में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्था भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। याद रखना कि CIT की स्थापना कहां पर होगी, ये होगी आपकी लोकसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, ये भी रीब्रांडिंग है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का। ये संचालित, देखिए ये जो आपकी योजना है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इस शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान
स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण। इसमें प्रदेश के बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक, एपीएल यानी कि सामान्य वर्ग के परिवारों को 50,000 तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए जाएंगे। आदर्श जिला चिकित्सालय, प्रदेश के 7 जिलों को गरियाबंद, कवर्धा, रायगढ़, मुंगेली, बैकुंठपुर, जशपुर और नारायणपुर, इन 7 जिलों में जो है आपके आदर्श जिला चिकित्सालय की स्थापना, या जो पहले से जो आपके चिकित्सालय मौजूद है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन्हें विकसित करके आदर्श जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। तो 7 जिले कौन कौन से है? गरियाबंद, कवर्धा, रायगढ़, मुंगेली, बैकुंठपुर और आपका बैकुंठपुर यानी कि वही कोरिया, और जशपुर और नारायणपुर। ठीक, नेक्स्ट है आयुर्वेद औषधालय। ये प्रदेश में 6 आयुर्वेद औषधालय प्रस्तावित है। एक है रतनपुर, अब यहाँ पर ध्यान देना ना, बजट में ही लिखा हुआ है, कोरिया जिले में एक स्थान है जिसका नाम है रतनपुर, ये बिलासपुर वाला रतनपुर नहीं है। दूसरा है रायपुर का सेमरिया, तीसरा है दुर्ग जिले का निकुम, चौथा है बस्तर जिले का चित्रकोट, पाँचवा है गरियाबंद जिले का सुपेबेड़ा और छठवा है आपका रायगढ़ जिले का रेरुमा खुर्द। यहाँ पर जो है आयुर्वेद औषधालय प्रस्तावित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिला आयुर्वेद कार्यालय। मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर एवं कोंडागांव में जिला आयुर्वेद कार्यालय की स्थापना की जाएगी। अटल श्रम सशक्तिकरण योजना, अब ये क्या है? असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं एवं हमालों के कल्याण हेतु इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। अब ये योजना क्या है, आगे आने वाले समय में इस पर और हमें डिटेलिंग देखने के लिए मिलेगा जब प्रदेश सरकार इसे लागू करने पर पहल करेगी। अभी फिलहाल याद रखना कि अटल श्रम सशक्तिकरण योजना में असंगठित श्रमिकों, असंगठित सफाई कर्मकारों, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिला। देखिए असंगठित का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत से आपके, जैसे अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सभी के सभी एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ठेकेदार के अंतर्गत कार्य करने वाले ठेका मजदूरों की, तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन, कोई पंजीयन नहीं होता। घर घर में जाकर के जो महिलाएं बर्तन मलती है, उनका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो उनके लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुरू किया जाएगा, जैसे कि अटल पेंशन योजना, उसमें भी जो है असंगठित श्रमिक और कर्मकारों से संबंधित अटल पेंशन योजना, वैसे ही श्रम सशक्तिकरण योजना भी प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है सुगम छत्तीसगढ़ अभियान, लक्षित दिव्यांग वर्ग जो है इस सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत लक्षित किए गए हैं, स्पेशली दिव्यांग वर्ग, हैंडीकैप वर्ग के लिए यह योजना है। प्रदेश के दिव्यांग के सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा, यानी कि जो इमारतें हैं, जो गवर्नमेंट की जो इमारतें हैं, जो भवन है, उसमें दिव्यांगों को आसानी से आने जाने के लिए उसमें ऐसा डिज़ाइन बनाया जाएगा जो कि दिव्यांगों के अनुकूल हो। जैसे कि आप देखे होंगे कई जगह भवन में चढ़ने के लिए सीढ़ी होते हैं, स्पेशली रेलवे स्टेशनों में कई जगह सीढ़ी होते हैं और कई जगह ऐसे स्लोप दिया जाता है ताकि व्हीलचेयर के माध्यम से दिव्यांग को स्टेशन के अंदर तक पहुंचाया जा सके। तो वही है आपको सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान, जिसमें दिव्यांगजनों को सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक, उन्हें जो है आपके दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा सुगम्य छत्तीसगढ़ अभियान के माध्यम से। नेक्स्ट है पीएम वाणी परियोजना। अब ये पीएम वाणी परियोजना क्या है, ये भी आपके केंद्र प्रवृत्त योजना है। इसे लॉन्च किया गया था 9 दिसंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। पीएम वाणी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना। ग्रामीण क्षेत्र में वाईफाई के माध्यम से हॉटस्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना, यानी कि जगह जगह पे जो है वाईफाई कनेक्शन लगाए जाएंगे जिससे उस गांव के क्षेत्र में एक हॉटस्पॉट क्रिएट होगा। मोबाइल में जो है वाईफाई स्टार्ट करके वाईफाई के माध्यम से लॉगिन करके इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की योजना है पीएम वाणी परियोजना, जो कि 2020 में ही इसे लॉन्च कर दिया गया था। प्रदेश सरकार अब इस पर कार्य करेगी। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को वाईफाई सुविधा प्रदान किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रस्तावित अधोसंरचना। ये तो आपके जितने भी प्रमुख आपकी घोषणाएं थे वो हम देख चुके हैं, अब कुछ प्रस्तावित अधोसंरचना है। देखिए बजट में घोषणा किया गया है कि प्रदेश की साइंस सिटी स्थापित की जाएगी रायपुर में, सेंटर ऑफ
एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता केंद्र, इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में, हिंदी में पूछे तो हिंदी में, इंग्लिश में पूछा जाएगा सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप या छत्तीसगढ़ राज्य उद्यमिता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, दुर्ग जिले के भिलाई में। एल्यूमिनियम पार्क कोरबा अभी तक प्रस्तावित है, पता नहीं इस पे काम हुआ है कि नहीं। यूनिटी मॉल, यूनिटी मॉल क्या होता है, स्थानीय उत्पादों की बिक्री एवं प्रचार हेतु एक स्थान प्रदान करना, ठीक है, शायद उत्तर प्रदेश में यूनिटी मॉल काफ़ी आपका प्रचलित है, उसी के तर्ज में बनाया जा रहा है, रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नवीन प्रवास आवासीय विद्यालय, अभी प्रयास आवासीय विद्यालय, अब ये प्रयास आवासीय विद्यालय क्या होता है, हम इसे आर्थिक सर्वेक्षण में और डिटेल करेंगे, ठीक है। आवासीय जो कोचिंग सुविधा प्रदान की जाती है 12वीं के बाद, ये होता है प्रयास आवासीय विद्यालय। तो नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय ये रायगढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा। संगीत महाविद्यालय नया रायपुर अटल नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये नया रायपुर अटल नगर में स्थापित किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय खड़गवा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। कृषि यंत्र कार्यालय दुर्ग एवं सरगुजा जिले में स्थापित किया जाएगा। शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय ये सिलफिली सूरजपुर और यानी कि सूरजपुर जिले के सिलफिली और रायगढ़ में, देखिए यहाँ महाविद्यालय बोल रहा है। विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग में स्थापित किया गया, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी है, ये महाविद्यालय कॉलेज की बात हो रही है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुनकुरी जशपुर में स्थापित किया जाएगा। वैसे ही है आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय चंद्रपुर बलरामपुर में। रासायनिक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला सरगुजा जिले में प्रस्तावित है। मॉडर्न खेल स्टेडियम जशपुर में और इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स ये रायगढ़ बलौदा बाजार में प्रस्तावित है। अब कुछ अन्य घोषणाओं पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र रोजगार अवसर सृजन हेतु महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे आप मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसमें 2788 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में मनरेगा के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 2788 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। महिला एवं बच्चों को कुपोषण से बचाव हेतु फोर्टिफाइड चावल के वितरण का प्रावधान किया गया है। डायल 112 सुविधा पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। गोड़ी भाषा के विकास हेतु हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा से गोड़ी भाषा अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर के निर्माण किया जाएगा, ये सभी घोषणाएं हैं। श्रम विभाग द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु श्रमेव जयते पोर्टल आरंभ किया जाएगा। श्रमेव जयते पोर्टल का संबंध किससे है, श्रम विभाग के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन से संबंधित है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। रायपुर में आपका नालंदा परिसर काफ़ी चर्चित है, उसी के तर्ज पर जो है टोटल 22 स्थानों पर नगरीय निकायों में, ग्रामीण की बात नहीं हो रही है, नगरीय निकायों में 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक भवन होता है, वैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रम जो मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित है, उसके लिए महिला सदन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को 3,716 करोड़ रुपए के लंबित धान बोनस की राशि का भुगतान किया जा चुका है। ये करंट अफेयर का टॉपिक था, इसे मैंने आपको दिसंबर महीने करंट अफेयर में पढ़ाया भी है। इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, यानी कि अलग अलग सेक्टर से निवेशकों को बुला करके छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इंडस्ट्री का। भारत नेट परियोजना के तहत 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में भारत नेट परियोजना के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो 9,804। हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत 43,34,000 घरेलू उत्पादकों को 400 यूनिट खपत पर हाफ बिजली योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। ये भी काफ़ी चर्चा में था, नई सरकार बनने के बाद ऐसे तर्क लगाया जा रहा था कि हाफ बिजली बिल योजना बंद कर दिया जाएगा, लेकिन बजट में स्पष्ट कर दिया गया। राज्य शासन द्वारा संचालित प्रमुख जल कल्याणकारी योजनाओं को
योजनाओं की एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। यानी कि राज्य शासन के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, जैसे कि महतारी बंधन योजना, कृषक उन्नति योजना, ठीक है, ये जो अलग अलग जो योजनाएं अभी प्रदेश सरकार चलाएगी, उसका एक पोर्टल के माध्यम से उनका क्या करेगी, उनकी मॉनिटरिंग करेगी, जिसे नाम दिया गया अटल डैशबोर्ड। शासकीय धन के आय व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS 2.0 प्रारंभ किया जाएगा। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट है कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना की जाएगी। एक अलग से संचालनालय बनाया जा रहा है कृषि आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। जल संसाधन बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए जल सूचना केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 18 लाख से अधिक आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 8,836 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश के वन संरक्षण संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैंपा योजना में 1,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। वस्तु सेवा कर के संकलन सुधार एवं पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर होता है आपका छत्तीसगढ़ बजट वाला टॉपिक समाप्त। देखिए, जो मुख्य बिंदु मैंने आपको पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट है, और जो ये सिंगल वन लाइनर जो तथ्य है ना, जैसे कि पिछले साल की अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम हुए, उसमें से सिंगल वन लाइनर फैक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए थे। तो इस सिंगल वन लाइनर फैक्ट को भी याद रखिएगा। जो ये टेबल के माध्यम से जो मैंने आपको ये अलग अलग फैक्ट बताए, ये सब इनको भी एक एक करके इसे रीड करके रखिएगा, ठीक है। बजट का थीम क्या है, बजट को कौन सी संज्ञा दी गई है, ये सारे चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर होता है आपका छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2024 का बुक मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप अपने नज़दीकी बुक डिपो से और हमारे CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही।